एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की आती है। गांव वाले उसे देखकर देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वैसी लड़की कभी गांव वाले देखे ही नहीं था। अरे गोपाल भाई, वो देखो कितनी सुंदर लड़की है भाई, इसे आपसे पहले तो कभी नहीं देखा, लगता है पास के गांव से आई है। हाँ भाई, मुझे तो इससे पहली नजर में ही प्यार हो गया है, कुछ भी हो जाए मैं इसी से शादी करूंगा। अरे गोपाल भाई, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रही है, लगता है रास्ता भटक गई है, चलो हमें इसे रोकना होगा, कहीं ये जंगल में चली गई तो जंगली जानवर इसे कच्चा ही खा जाएंगे, चलो चलो इसकी मदद करते हैं। तभी वो लड़की जंगल की ओर जा रही होती है, तभी उसको सांस फूलने लगता है, सांस में प्रॉब्लम रहता है। मैं सांस नहीं ले पा रही, क्या करूं, मेरी सांस क्यों फूल रही है। तभी उस लड़की को एक कुएं दिखाई देता है और जाती है, तेजी से जाकर कुएं में छलांग लगा देती है। अरे दैया रे दैया, गोपाल भाई ये कमबख्त तो कुएं में कूद गई, तुम तो शादी से पहले ही विधवा हो गए, अब क्या करें। अरे बेवकूफ, जल्दी चल, हमें उसे बचाना होगा। तभी दोनों भागते हुए उस कुएं के पास जाते हैं। रामू देख, तेरी भाभी की जान खतरे में है, तुझे उसे बचाना होगा, चल जल्दी से कुएं में कूद जा। वाह बेटा वाह, शादी का लड्डू तुम खाओ और अपनी जान हम खतरे में डालें, मैं नहीं कूदने वाला इतने गहरे कुएं में। हाँ कमबख्त, तू किसी काम का नहीं है, मुझे ही जाना होगा। फिर गोपाल कुएं में कूदकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है। जी आप ठीक तो है, आप इस कुएं में क्यों कूद गईं? आप मरना क्यों चाहती हैं? अरे आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल दी, कहीं आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। जी ये तो मेरा फर्ज था। अरे गोपाल भाई जल्दी से ये रस्सी पकड़ लो, मैं तुम दोनों को ऊपर खींच लूंगा। तभी रामू कुएं से रस्सी डालकर दोनों को खींच लेता है। तभी गोपाल लड़की से प्यार का इजहार करता है और लड़की भी मन ही मन दोनों इजहार करते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है, प्यार होकर शादी हो जाता है। सुबह, अरे प्रीतम आज तो हमारी शादी की पहली रात है, मैंने फिल्मों में देखा है पत्नी पति के लिए दूध का गिलास लाती है, तुम भी मेरे लिए एक गिलास गर्मा गर्म दूध लाओ ना। जी ठीक है अभी लाई। राधा इतना बोलकर गोपाल से किचन में जाती है, तभी उसको दम फूलने लगता है। अरे नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही, लगता है मुझे अभी जाना होगा। तभी भागती हुई राधा घर से निकल जाती है। अरे ई का हो गया, अरे प्रियतम कहाँ भागी जा रही हो, कौनो भूत भूत देख लिया क्या, अरे प्रीतम सुनो। गोपाल भी राधा के पीछे पीछे भागने लगता है। राधा सीधे जंगल की ओर भागती है। अरे कमबख्त इतनी रात गए जंगल की तरफ क्यों भाग रही है, जंगल में मंगल करना चाहती है क्या, अरे मर गए रे। अरे प्रीतम सुनो, इतनी रात गए जंगल में जाना ठीक नहीं रहेगा। राधा भागते भागते फिर जाकर उसी कुएं में कूद जाती है। अरे मर गए रे, ये क्या, ये नास मिट्टी तो फिर से कुएं में कूद गई, अब क्या करूं। गोपाल भागता भागता उस कुएं के पास जाता है। अरे प्रीतम तुम ठीक तो हो, अब क्या करूं। राधा को पानी में कूदते ही उसको सांस में सांस आती है। शुक्र है थोड़ी सांस तो आई, अब जाकर मेरी जान में जान आई है। अरे प्रीतम तुम ठीक तो हो, लो ये रस्सी जल्दी से पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। गोपाल कुआं में रस्सी डालकर राधा को ऊपर खींच लेता है। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, जो फिर से इस कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। राधा गोपाल को जवाब नहीं देती है और घर सीधे चली जाती है। फिर अगले दिन राधा मन ही
मन कुछ सोचने लगती। लगता है मुझे इन्हें सब सच बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अगर सच बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इन्हें सच नहीं बता सकती। फिर रात होने पर, प्रीतम कल की रात तो चौपट हो गई, क्यों ना आज की रात को रंगीन बनाया जाए। जी ठीक है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म दूध का गिलास लाती हूँ। राधा रसोई में दूध गर्म करती है, फिर उसके सांस फूलने लगता है। अरे नहीं, मेरी सांस फिर से फूल रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही, लगता है मुझे अभी पानी में जाना होगा। राधा फिर घर से भागती है, गोपाल उसको देखते ही रह जाता है और राधा चली जाती है। अरे नहीं, ये नास मिट्टी तो फिर से पीटी उषा बन गई। अरे कमबख्त, अब कहाँ भागे जा रही है। अरे मर गए रे, अब क्या करूं, कहीं ये फिर से उस कुएं में कूदने तो नहीं जा रही। गोपाल भी पीछे उसको दौड़ना शुरू कर देता। अरे नास मिट्टी रुक जा, कहाँ भागे जा रही है। अरे रुक जा रुक जा। राधा गोपाल के एक नहीं सुनती और सीधे छलांग लगा देती है। राधा पानी के अंदर नीचे तक चली जाती है, गोपाल उसे देखता ही रह जाता है। अरे कमबख्त कहाँ चली गई, आज तो ये कुएं में दिखाई भी नहीं दे रही, अब क्या करूं। अरे प्रियतम तुम कहाँ हो। फिर राधा पानी के ऊपर आ जाती है, गोपाल को देखकर जान में जान आ जाता है। शुक्र है भगवान का, मुझे लगा तुम इस गहरे पानी में डूब गए। गोपाल फिर कुएं में रस्सी फेंक कर राधा को बचा लेता है। फिर राधा से सवाल जवाब करने लगता है। बस राधा बहुत हो गया, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई, जो रोज रोज इस कुएं में कूद जाती हो। आज तुम्हें मुझे असलियत बतानी ही होगी। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन रोज रोज अपनी जान देने की कोशिश मत करो। नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझसे शादी करके मुझे एक नया जीवन दिया है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अच्छा, अगर मेरे साथ खुश हो तो फिर रोज रात को अपनी जान क्यों देने चली आती हो इस कुएं के पास। राधा गोपाल का बात का एक भी जवाब राधा नहीं देती है। फिर अगले दिन गोपाल बैठकर मन ही मन सोच रहा होता है। एक काम करूँगा, आज इसे बेड के साथ बांध दूंगा, फिर देखता हूँ ये कैसे कुएं में कूदने जाती है। फिर रात होने पर, जी क्या हुआ, आज आप बड़ी शांति से बैठे हो, आज दूध नहीं मांगोगे। नहीं नहीं, मुझे अब दूध पीना ही नहीं है, मैं जब भी तुमसे दूध मांगता हूँ तुम कुएं में कूद जाती हो। अरे जी ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं प्रीतम जी, आप सो जाओ, आज आप आराम करो। गोपाल राधा दोनों सो जाते हैं। गोपाल सोने की नाटक करता है, तभी राधा के पैर में जंजीर से ताला मार देता है और राधा, अब देखता हूँ अपनी जान कैसे देगी। गोपाल चैन की नींद सोने लगता है, तभी कुछ देर के बाद राधा का नींद टूटता है और जोर जोर से राधा हाँफने लगती है। अरे अरे नहीं, मैं सो कैसे गई, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे कुएं में जाने। राधा जैसे जाने की कोशिश करती है, तभी पैर में देखती है कि जंजीर ताले से लगा हुआ है। अरे नहीं, ये क्या किया आपने, नहीं, अरे नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही, अजी अजी मेरी मदद कीजिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तभी राधा जमीन पे बेहोश होकर गिर जाती है, तभी गोपाल को नींद टूटता है। अरे राधा क्या हुआ, तुम जमीन पर क्यों बैठी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। जी मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे पानी चाहिए, पानी, बहुत सारा पानी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पीने का पानी लाता हूँ। नहीं सर, नहीं, सिर्फ पीने के पानी से कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत सारा पानी चाहिए, मुझे कुएं में ले चलिए, मुझे कुएं में ले चलिए। हाँ हाँ ठीक है, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें ले चलता हूँ। फिर राधा का सांस ज्यादा फूलने लगता है। जी कोई फायदा नहीं, कुआं यहाँ से बहुत दूर है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगी, मेरा आखिरी समय आ गया, अब कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए।
नहीं नहीं राधा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर तुम्हारी सांस ऐसे क्यों फूल रही है? तुम्हें सांस लेने के लिए पानी की जरूरत क्यों है? आखिर तुम हो कौन? तभी राधा को सांस न मिलने से राधा बेहोश होती। अरे नहीं राधा, राधा राधा तुम ठीक तो हो? आंखें खोलो राधा, मैं तुम्हें इस तरह मरने नहीं दूंगा राधा। अरे अरे अब क्या करूं? एक काम करता हूँ। गोपाल राधा को उठाकर दौड़ते हुए गांव के नदी की ओर चला जाता है। तुम घबराओ नहीं राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर में पहुंचते ही राधा को नदी में डाल देता है राधा। राधा नदी के पानी में डूब जाती है। गोपाल उसे देखता रहता है। अरे राधा तुम ठीक तो हो? राधा तुम कहाँ हो? राधा सांस लो, राधा सांस लो। राधा नदी में डूब जाती है, उसको कोई अता पता नहीं रहता। नहीं राधा नहीं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। राधा राधा मुझे छोड़कर मत जाओ। राधा मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं, मैं भी इस नदी में ही डूब कर अपनी जान दे दूंगा। फिर गोपाल नदी में डूब जाता है, फिर डूबने लगता है। अरे अरे मर गया, अरे हाय राम, कोई मुझे बचाओ। अरे अरे मर गया, अरे। गोपाल डूब ही रहा होता है, तभी राधा जलपरी बनकर ऊपर आ जाती है और गोपाल को देखकर होश ही उड़ जाता है। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर राधा गोपाल को नदी से ऊपर लाती है। अरे बच गए रे, लेकिन लेकिन ये मैंने क्या देखा? राधा एक जलपरी है? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जरूर भ्रम हुआ होगा। गोपाल राधा को जलपरी के रूप में देखकर उसको विश्वास ही नहीं होता है, उसकी आंख फटी की ही फटी रह जाती है। अरे नहीं तुम तो एक जलपरी हो। हाँ हाँ मैं एक जलपरी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर के बाद पानी में सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मैं ज्यादा देर तक बिना पानी के नहीं रह सकती। इसलिए तुम बार बार कुएं में कूद जाती थी? मुझे लगा तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, इसीलिए अपनी जान देना चाहती हो। जी आप मेरी असलियत जानने के बाद मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? अरे नहीं नहीं राधा, कैसी बातें करती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चलो अब घर चलते हैं। जी जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मेरी पानी की प्यास भी बढ़ती जा रही है। पहले तो मुझे दिन में सिर्फ एक बार नदी में जाने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो दिन में बार बार पानी में जाना पड़ रहा है, नहीं तो मेरी सांस फूलने लगती है। मैं सांस नहीं ले पाती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं समझ सकता हूँ राधा, लेकिन अभी इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम भगवान पर विश्वास रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। राधा को दिन पर दिन सांस की प्रॉब्लम आने लगती है। राधा दिन भर नदी में नहाती है। गांव की औरतें तरह तरह की बातें राधा के बारे में कहती हैं। अरे रेशमा बहन, तुमने गोपाल की बीवी को देखा? ये दिन में बार बार नदी में डुबकी लगावत है, शर्म नाम की कोनो चीजें नहीं है। इसके अलावा कोई भी औरत यूँ खुले में नदी में डुबकियाँ नहीं लगाती। पता नहीं इस महारानी को पानी से कितना प्यार है, जब देखो नदी में कूदती रहती है। सही कहती हो बहन, हमें तो दिन में एक बार नहाने में शर्म आती है और ये बेशर्म बार बार नदी में कूदती रहती है। मुझे तो लगता है हमें इसके बारे में सरपंच से बात करनी चाहिए, इसकी वजह से गांव के सारे मर्द बिगड़ रहे हैं। देखो तो कैसे दिन भर नदी के किनारे बैठे रहते हैं। एक दिन की बात है कि राधा को रात में सांस फूलने लगती है। फिर राधा, अरे नहीं मुझे अभी पानी के अंदर जाना चाहिए, मुझे अभी पानी के अंदर जाना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रात भी बहुत हो रही है, क्या करूं? इन्हें उठाना सही नहीं होगा, मुझे खुद ही जाना होगा। राधा घर से भागती भागती जाकर नदी में सीधे कूद जाती है और नहाने लगती है। तभी
अरे मामा देखो भाई आ गई राधा, हमें इसी का तो इंतजार था। अरे मामा 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 अब मजा आएगा, अब जी भर के से निहारेंगे। राधा जैसे पानी से निकलती है उसे छेड़ने लगते हैं। अरे क्या बात है मेरी रानी, इतनी रात में भी नदी में डुबकी लगा रही हो, हाँ क्या बात है, चलो हम सब साथ मिलकर नदी में डुबकी लगाते हैं। एक आदमी राधा का जबरदस्ती हाथ पकड़ लेता है, उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। अरे आना अब क्या हो गया, वैसे तो पूरा दिन नदी में डुबकी लगाती रहती हो, आज हमारे साथ भी एक डुबकी लगा लो। छोड़ मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ वरना ठीक नहीं होगा, छोड़। आज तो हम दोनों तेरे साथ पानी में डुबकी लगा कर ही रहेंगे। एक गांव वाला राधा को जबरदस्ती उठाकर नदी में लेकर कूद जाते हैं, तभी एक गांव वाला उसे सब कुछ देख रहा होता है। अरे बाबा राजेश भाई आज तो मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, अरे मेरी रानी घबराओ नहीं, तुम भी हमारे साथ मजे करो। तभी राधा नीचे चली जाती है। अरे भाई ये कहाँ चली गई, कहीं डूब तो नहीं गई, अब क्या करें? अरे मरने दो ना, हमें क्या, वैसे भी पूरा दिन नदी में डुबकी लगाती रहती है ये, अगर किसी को इसकी लाश मिली भी तो हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, खुद ही डूब कर मर गई होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं, कहीं कोई हमें देख। जैसे दोनों निकलना चाहते वैसे राधा जलपरी बनकर दोनों को पैर खींचने लगती है। राधा अरे मर गया, अरे ये कौन कपखत मारा है जिसने मेरी टांग पकड़ ली है। अरे भाई मुझे भी कोई टांग पकड़ कर नीचे खींच रहा है। अरे मर गया रे, अरे भाई कोई है हमारी मदद करो, अरे भाई बचाओ हमें। आई मम्मी मर गया, आज तो मर गया रे, आज डुबकी लगाना महंगा पड़ गया रे। अरे मर गया रे। राधा दोनों को इतना गहराई तक ले जाती है, ले जाकर दोनों को मार देती है, और राधा को जलपरी देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर राधा पानी से बाहर निकलकर राधा बन जाती है, फिर कुछ देर के बाद अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे ये क्या, ये राधा तो नदी से बाहर आ गई लेकिन वो दोनों अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, कुछ तो गड़बड़ है। वो गांव वाला नदी के पास जाता है और दोनों को आवाज देने लगता है। अरे भाई तुम कहाँ हो, तुम दोनों ठीक तो हो, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? गांव वाला बहुत समय तक दोनों को आवाज देता है पर वहीं कुछ सुनाई नहीं देता है और डर के भाग जाता है। फिर अगले दिन दोनों की नदी में दोनों आदमी की लाश मिलती है, गांव वाले देखकर डर जाते हैं और डर कर गांव में जाते हैं। आपस में गांव वाले बात करते हैं। अरे भाई ये दोनों तो हट्टे कट्टे जवान थे, भला इन्हें किसने मारा होगा? पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों को बात सुनकर गोपाल भी डर जाता है और डरते हुए अपने घर की ओर जाता है। फिर राधा से, अरे राधा तुझे पता है नदी में दो आदमियों की लाश तैरती हुई मिली है, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? मुझे नहीं पता। अब तुम्हारा भी बार बार नदी में जाना ठीक नहीं है, हमें कोई और उपाय करना होगा। गांव वाला आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जो देखा था गांव वाला वहाँ आकर सभी से बात बताता है। आयो मैंने अपनी आँखों से देखा था, उन दोनों आदमियों ने राधा को उठा रखा था और उसके साथ नदी में कूदे थे, लेकिन कुछ देर के बाद सिर्फ राधा ही पानी से बाहर निकली थी और अगले दिन उन दोनों की लाश हमें मिली है। इसका मतलब तो सीधा सा है भाई, राधा ने ही उन दोनों को डुबो कर मारा है, मुझे तो पहले से ही ये राधा कुछ ठीक नहीं लगती है, दिन रात नदी में डुबकी लगाती है, भला
आधी रात को कोई नदी में जाता है भला? है? बोलो बोलो। हाँ हाँ तुम ठीक कहते हो, ये राधा का ही काम है। मुझे तो लगता है ये राधा कोई साधारण औरत नहीं है, इसके ऊपर जरूर किसी चुड़ैल का छाया है। जब आधी रात को किसी औरत घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती, उस वक्त ये नदी में टुकियां लगा रही होती है। तुम ही बताओ भाई, ऐसा कौन करता है? गांव वाले सभी हाथ में मसाल लेकर गोपाल के घर के पास जाते हैं। मारो मारो, आज इस राधा को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये एक चुड़ैल है, इसी ने उन दोनों लड़कों को मारा है। मारो मारो, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ए राधा, हमें तो इस सच्चाई का पता चल गया है, तूने ही उन दोनों को मारा है, बाहर निकल। अरे नहीं, ये गांव वाले तो तुम्हारे खून के प्यासे हो गए हैं, अब क्या करें? अब घबराइए नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, चलिए मेरे साथ। फिर गोपाल राधा दोनों बाहर आते हैं। हे राधा, तुमने ही उन दोनों को मारा है, हीरा ने अपनी आँखों से देखा है। देखिए सरपंच जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो दोनों मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उन दोनों ने मुझे जबरदस्ती नदी में धक्का दिया था, मैं तो तैर कर ऊपर आ गई लेकिन वो दोनों वही नदी में डूब गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या तुमने उन दोनों को राधा के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था? हाँ सरपंच जी, ये सही कह रही है, वो दोनों इसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। फिर तो इसमें राधा की कोई गलती नहीं है, उन दोनों ने खुद अपनी मौत चुनी है। ठीक है राधा, हम मान लेते हैं तुमने उन दोनों को नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी वजह से ही उनकी मौत हुई है। तुम्हें आधी रात को नदी में नहीं जाना चाहिए था, आज के बाद तुम नदी के अंदर नहीं जाओगी। फिर इतना बोलकर गांव वाले वहाँ चले जाते हैं। ठीक तो होना राधा, तुम डरो नहीं, तुमने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जी लेकिन अब मैं नदी में नहीं जा पाऊंगी, अब क्या होगा, मैं ज्यादा देर तक पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तुम डरो नहीं, मैं कुछ ना कुछ उपाय निकालता हूँ। फिर गोपाल शीशे का हेमलेट बनवाता है जिसमे पानी रखा। ये देखो राधा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम इसे पहन लो। राधा उस शीशे वाला हेमलेट पहन लेती है और फिर गोपाल उसमें पानी डाल देता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अब बहुत अच्छे से सांस ले पा रही हूँ, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। देखा मेरा कमाल, अब तुम हर वक्त अच्छे से सांस ले सकती हो। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। तुम्हें बहुत सावधानी से रहना होगा, कहीं कोई गाँव वाला तुम्हें इस हेलमेट के साथ देख ना ले। जी मैं ध्यान रखूंगी। राधा घर में काम कर रही होती है, तभी गांव वाला एक उस रास्ते से गुजरता है तो देखता है राधा सर में हेमलेट शीशे की पहनी है, उसमें पानी रखा हुआ है, देखता है और चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये गोपाल की पत्नी ने सर पर क्या पहना हुआ है? इसमें तो पानी भरा हुआ है, भला ये इसमें सांस कैसे ले रही है? कुछ तो गड़बड़ है, लगता है ये कोई जादुई चीज है। कालिया और जग्गू दोनों राधा के घर के आसपास पहुंच जाते हैं, उधर गोपाल राधा दोनों सोए हुए रहते हैं। ओ भाई वो देखो, वो रहा वो जादुई हेलमेट जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, इसमें जादुई पानी है, गोपाल की पत्नी इसी पानी के अंदर सांस ले रही थी, चलो हमें इसे चुराना होगा। कालिया और जग्गू धीरे से जाकर उस हेमलेट को उठाकर लेकर वहां से दोनों फरार होकर जंगल में चले जाते हैं। अरे वाह वाह कालिया भाई, अब तो हम माला माल हो जाएंगे, हमें इस जादुई पानी की बहुत ज्यादा कीमत मिलेगी, जरा तुम इसे पहन कर तो देखो। फिर कालिया उस हेमलेट को पहन लेता है, उसको पहनते ही हालत खराब हो जाता है। ए, मर गया रे, ये क्या मुसीबत है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे अरे जग्गू भाई, इसका बखत हेलमेट को मेरे सर पे से उतारो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जग्गू कालिया के सर से हेमलेट उतार देता है।
अरे बच गया, अरे मैं तो बाल बाल बच गया। अरे भाई इसमें तो साधारण पानी भरा हुआ है, ये कोई जादुई पानी नहीं है भाई। भाई अगर ये जादुई पानी नहीं तो फिर राधा इसमें सांस कैसे ले पा रही थी? बाल में जरूर कुछ काला है। चलो हमें वापस गोपाल के घर जाना चाहिए। फिर दोनों हेमलेट लाकर राधा के घर के आगे रख देते हैं। राधा का सांस फूलने लगता है, उस हेमलेट को तलाशने लगती है। ये हेलमेट कहाँ गया? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? अब क्या करूँ, मेरी तो सांसें उखड़ने लगी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे अभी पानी की सख्त जरूरत है। फिर राधा तलाशते हुए किचन में जाती है, वहाँ एक घड़ा रहता है। घड़े से अपने सर में घुसाती है, पर घड़े का मुँह छोटा रहने के कारण घड़ा घुस नहीं पाता है सर में। अब क्या करूँ, मुझे अभी नदी में जाना होगा, अब कोई रास्ता नहीं है। राधा वहीं घड़ा फेंक कर वो नदी की ओर दौड़ते दौड़ते चली जाती है। दोनों उसके पीछे पीछे कालिया और चले जाते हैं, तभी छलांग लगाकर राधा नदी में। अरे कालिया भाई, ये तो नदी में कूद गई। राधा सीधे छलांग लगाकर कूदती है और वहां से एक परी जलपरी की तैरती हुई नजर आती है। कालिया और उसके दोस्त देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पेड़ के पास दोनों छुप कर देखते हैं। अरे दैया रे दैया, जब भाई मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये राधा तो एक जलपरी निकली भाई। भाई मैंने तो जलपरियों के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था, आज अपनी आंखों से देख लिया। भाई ये सोचो, इस जलपरी की बाजार में हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। सही कहते हो भाई, हमें इस जलपरी को पकड़ना ही होगा। तैरते तैरते कुछ देर के बाद राधा पानी से बाहर निकलकर औरत के रूप में आ जाती है। जग्गू और उसके दोस्त देखकर दोनों चौंक जाते हैं। फिर राधा अपने घर की ओर जाती है, तभी उसकी नजर हेमलेट पे पड़ता है। अरे ये हेलमेट यहाँ घर के बाहर क्या कर रहा है, इसे यहाँ कौन लाया? चलो अच्छा है ये मिल गया। जैसे राधा हेमलेट को पहनना चाहती है, तभी कालिया और जग्गू आते हैं, एक चादर उसके शरीर फेंक कर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। जग्गू भाई कस के पकड़ना, ये एक मायावी औरत है, कहीं हाथ से निकल ना जाए। कौन है? छोड़ो मुझे। जग्गू और कालिया राधा को पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं। राधा अपने चूड़ियों को रास्ते में गिराती जाती है। अरे जग्गू भाई, अब तो हम माला माल होने वाले हैं, इस जलपरी में मांगी कीमत मिलेगी। गोपाल राधा को ना देखते हुए घबरा जाता है और राधा, अरे नहीं, ये राधा कहाँ चली गई? गोपाल राधा को चारों ओर घर में देखता है, पर राधा कहीं नहीं रहती है। फिर बाहर देखता है कि राधा का हेमलेट खड़ा हुआ रहता है। गोपाल घबरा जाता है। फिर हे भगवान, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे अभी नदी की तरफ जाना होगा, शायद राधा वहीं होगी। गोपाल नदी की ओर दौड़ पड़ता है, पर कोई नहीं रहता। राधा, क्या तुम यहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? राधा। इधर राधा की सांसें फूलने लगती है। राधा, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी की जरूरत है। अरे जग्गू भाई क्या करें, ये तो बिना पानी के तड़प रही है, कहीं ये मर गई तो हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, लाखों का। कालिया भाई, वो देखो पास में ही नदी है, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। फिर वो उस पिंजड़े को उठाकर नदी के पास। अरे जग्गू भाई, अगर हमने इसे बाहर निकाला तो ये भाग जाएगी, इसी पिंजरे के साथ ही पानी में डुबो देते हैं। दोनों पिंजरे को नदी में डाल देते हैं। कुछ देर के बाद राधा अपना असली रूप जलपरी के नजर में आती है। तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर देखना मैं तुम दोनों का क्या हश्र करती हूँ।
ऐ जलपरी, इस पिंजरे में रहकर तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। राधा उस पिंजरे को बहुत खोलना चाहती है, पर वो पिंजरा लोहे का रहता है और उसका मुंह बड़ी रस्सियों से मोटे बांधे रहते हैं, पर खुल नहीं पाता है। उधर गोपाल राधा के तलाश में जंगल में भटक रहा होता है, तभी उसे एक उसकी राधा की चूड़ी दिखाई देती है। अरे, ये चूड़ी तो राधा की है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। गोपाल चूड़ी के पीछा करने लगता है। उधर राधा अपने बचाने के लिए मदद के लिए चीखती है, बचाओ बचाओ, कोई है बचाओ। अरे बेवकूफ जलपरी, क्यों अपनी मौत को बुला रही है? अगर गांव वालों ने तुझे इस रूप में देख लिया तो तुझे एक मायावी चुड़ैल समझकर आग लगा देंगे, आग। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मदद के लिए किसे पुकारूं? जग्गू और कालिया दोनों पानी से बाहर आराम कर रहे होते हैं। इधर राधा मछलियों से मदद मांगती है, तभी जलपरी की आवाज़ सुनकर सभी आते हैं। हे मछलियों, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम अपने नुकीले दांतों से इन रस्सियों को काट सकती हो, मेरी मदद करो। सभी मछलियां रस्सी को काटने लगती हैं, कुछ देर में सभी काट देती हैं। जल पड़े पिंजरे की दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ते हैं। अरे मर गए रे जग्गू भाई, ये कमबख्त पिंजरे से बाहर कैसे निकल गई? अब क्या करें?